गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 5 की साइंस और यहाँ पे मैं आप सभी के साथ रवि क्रॉप्स, हम लोग जो पढ़ने वाले थे वो रवि क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले थे। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो एग्ज़ाम आप लोगों को देना है, ठीक है, जो एग्ज़ाम आप सभी को देना है, यानी कि मैं कहूँ तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 9th of July को है, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम है वो 9th of July को है। और ये जो है आपको 7 o'clock मेरा पेपर होगा इवनिंग में। आपके तो होंगे पांचों पेपर, साइंस, SST, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये पांच पेपर होंगे। आप पांचों पेपर ही आपके एक ही दिन में हो जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्कूल पे, ठीक है, स्कूल पे कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिए। तो शुरू करते हैं रवि क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर नोन एज रवि क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स। जो क्रॉप्स जो ग्रोन किया जाता है, जो, ठीक है, नवंबर टू अप्रैल, उसको हम लोग रवि क्रॉप्स या फिर विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। यानी नवंबर में शुरू होता है, उसको बोना शुरू करते हैं, ठीक है, उसको लगाना शुरू करते हैं। दीज क्रॉप्स आर सोन इन विंटर्स एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन। ये जो फसल होते हैं, ठीक है, ये जो क्रॉप्स हैं, ये क्रॉप्स विंटर में लगाया जाता है, ठीक है, और हार्वेस्टेड यानी कि इसको काटा जाता है इन द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग या फिर मिडिल ऑफ स्प्रिंग। फॉर एग्जांपल वेट, ओके, ग्राम, बीन्स एक्सेट्रा। दीज क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड अपॉन रेनफॉल। ये जो क्रॉप्स होते हैं ये रेनफॉल पर डिपेंड नहीं रहते हैं, फिर भी इनको पानी की जरूरत होती है। जो आप देखते होंगे इसको ओस से भी मिल जाता है कुछ ना कुछ अमाउंट में पानी, और इनमें पानी पटवन भी होता है, इरिगेशन भी होता है इसमें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसका, यानी जितने भी क्रॉप्स हैं सभी का एक हैबिटेट बना हुआ है, एक एडेप्टेशन बना हुआ है। अगर जो इन्वायरमेंट और जो टेम्परेचर उसको नवंबर टू अप्रैल मिल रहा है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट, जो टेम्परेचर और जो एडेप्टेशन इसको नवंबर टू अप्रैल मिल रहा है, अगर वही इन्वायरमेंट अगर उसको फरवरी टू जुलाई में मिल जाए तो भी ये हो जाएंगे, तो भी ये गेहूँ जो होते हैं वेट्स होते हैं हो जाएंगे। बस इनके माहौल पे होता है, ठीक है, इनके इनको बस जो टेम्परेचर चाहिए, जो इन्वायरमेंट चाहिए, अगर वो इनको मिल जाता है तो ये फिर होना शुरू हो जाएंगे। खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स और समर क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जो जून से अक्टूबर, ठीक है, जो जून से अक्टूबर में होते हैं उसे हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं या फिर समर क्रॉप्स कहते हैं। खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज मानसून क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को हम लोग मानसून क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। द क्रॉप्स आर यूजली सोन एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन। ये जो क्रॉप्स होते हैं ये यूजली, मतलब इनकी जो बुआई होती है, ठीक है, इनको जो बोया जाता है इन द बिगिनिंग ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून, मानसून के बिगिनिंग पे ये इनका बोना शुरू होता है, ओके। एंड हार्वेस्टेड बाय सितंबर और अक्टूबर, और सितंबर से अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट यानी कि काट लिया जाता है। उसके एग्जांपल्स हैं राइस, मेज, ज्वार, ओके, बाजरा, एक्सेट्रा। दीज क्रॉप्स डिपेंड अपॉन रेनफॉल। अब ये जो क्रॉप्स होते हैं वो रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये जो रेनफॉल होते हैं ये रेनफॉल डिपेंड करते हैं किस पे, ये रेनफॉल डिपेंड करते हैं मानसून पे, रेनफॉल पे, ठीक है। ये जो क्रॉप्स है ये रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं, इनको एक बड़ी अमाउंट में पाना, इनको इनको एक बड़ा अमाउंट में पानी चाहिए, ठीक है, इनको एक बड़ा अमाउंट में
रेनफॉल चाहिए, ठीक है, इसलिए ये मानसून पे डिपेंड रहते हैं, रेनफॉल पे डिपेंड रहते हैं। वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स सच एज कैबेज, कॉलीफ्लावर, पीस, बीन, कैरोट एंड रेडिश आर ग्रोन इन विंटर। जो वेजिटेबल होते हैं वो भी डिफरेंट सीजन में होते हैं, ठीक है, डिफरेंट वेजिटेबल्स डिफरेंट सीजन में होते हैं, जैसे वेजिटेबल हो गया कैबेज, कॉलीफ्लावर, पीस, बीन, कैरोट एंड रेडिश, ये सब जो होते हैं ये सब विंटर में होते हैं, ठीक है, ये सब विंटर में होते हैं। वेजिटेबल्स ग्रोन इन समर आर गर्ड, बीटर गर्ड, स्नेक गर्ड, ब्रिंजल, ये सब जो होते हैं ये सब समर में होते हैं, ठीक है, ये सब जो है जैसे कि आपको गार्ड हो गया, बीटर गार्ड हो गया, स्नेक गार्ड हो गया, ठीक है, आप ब्रिंजल हो गया, बैगन, ठीक है, तो ये सब जो होता है ये सब समर टाइम में होते हैं, समर सीजन में। सीजन जो होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं, हमने बताया है, ठीक है, आप स्प्रिंग, उसके बाद समर, रेनी, ओके, उसके बाद फिर रेनी के बाद ऑटम, और उसके बाद फिर विंटर, फिर स्प्रिंग, ठीक है, तो ये सब इसके सीजन है, और डिफरेंट सीजन में डिफरेंट वेजिटेबल्स होते हैं। Let us revise. We get many things from plants such as food, oxygen, clothes, medicine, etc. हम लोग जो है थे होते हैं वो बहुत सारे चीज प्राप्त करते हैं, ठीक है, lots of things प्राप्त करते हैं प्लांट से, जैसे कि कह सकते हैं फूड, ऑक्सीजन, क्लॉथ्स, मेडिसिन, ये जितने कुछ आप जानते हैं ये सब हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये सब हम लोग प्राप्त करते हैं प्लांट से, ठीक है, जैसे कि हो गया फूड, ऑक्सीजन, क्लॉथ्स, मेडिसिन, ये सब हम लोग प्राप्त करते हैं प्लांट से। द प्रोसेस बाई विच द प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो प्रोसेस होता है एक न्यू प्लांट में निकलने का, ठीक है, एक न्यू प्लांट में निकलने का जो प्रोसेस होता है, सीड से लेकर न्यू प्लांट में निकलने का प्रोसेस, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो आपको सीड्स से रिप्रोड्यूस होते हैं, सीड में आप लोग देख लेंगे। सीड में आपका हो गया क्या, ग्राम, ठीक है, सीड में आपका हो गया ग्राम, और फिर से स्टीम दे दिया जाएगा, स्टीम में दे दिया जाए तो आपका हो जाएगा शुगर कैन, ठीक है, पोटैटो भी होता है इसमें, आपको अगर रूट भी दे दिया जाए, ठीक है, तो रूट में आप दे देंगे रेलिश, ठीक है, कैरोट, और लीफ मिले जाए, लीफ से जो प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें हम लोग दे सकते हैं, दियो, दियो फेयर, ठीक है, तो ये सब जो है सीड से होते हैं, स्टीम से होते हैं, रूट से होते हैं, लीफ से होते हैं, ओके,
डिफरेंट पार्ट्स, लेकिन ज्यादातर जो प्लांट होता है वो सीड से ही होता है, ठीक है, ज्यादातर जो प्लांट होता है वो सीड से ही होता है। द प्रोसेस बाय विच अ सीड डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। वो जो प्रोसेस होता है जिसमें सीड डेवलप होता है एक न्यू प्लांट में, ठीक है, जिसमें सीड डेवलप होता है एक न्यू प्लांट में, उसको हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के बारे में हमने बताया है, इसके जो एजेंट्स होते हैं उसके बारे में हमने बताया, इसके एजेंट्स कौन कौन होते हैं, तो बाय एनिमल्स, बाय एक्सपर्शन, ठीक है, बाय विंड, बाय एंड बाय वाटर। इन सब चीजों से कैसे होता है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, ठीक है, बाय वाटर कैसे होता है कि जब कोई हॉट डैम एरिया में जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कोकोनट वगैरह हो गया, तो कोकोनट का जो फल होता है वो जैसे ही पानी में गिरता है, ठीक है, तो बहाव के साथ एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और जाने के बाद वो जहाँ पर जाकर रुकता है वहाँ पर उसका जो फेवरेबल जो कंडीशन उसको चाहिए, ठीक है, फेवरेबल उसको वेदर जो चाहिए वो अगर उसको मिल जाता है, ठीक है, वो जो फेवरेबल वेदर उसको अगर मिल जाता है तो वो वहाँ पर जमना शुरू हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर उसका प्लांट लगना शुरू हो जाता है। ओके, जहाँ पर उसका फेवरेबल वेदर मिल जाता है वहाँ पर जमना उसका शुरू हो जाता है। और ये हो गया आपको बाय वाटर, बाय एनिमल्स, बाय एनिमल्स कैसे होगा, तो जैसे कि हमने बताया कि जो सीड्स में हुक वगैरह होते हैं वो एनिमल्स के बॉडी को, ठीक है, टच करते हैं, और जैसे उसमें टच करते हैं तो वो उसमें चिपके रह जाते हैं, फिर वो एनिमल जैसे ही आगे बढ़ता है और अपने उस बॉडी को मतलब रगड़ता है, ठीक है, अपने उस बॉडी को रगड़ता है किसी पेड़ से, फिर वो सीड नीचे गिरता है, ठीक है, और उसके बाद जो उसका उसको अगर जो फेवरेबल कंडीशन उसको चाहिए उस सीड्स को अगर वो वहाँ पर मिल जाए तो फिर वो अपने फिर वो न्यू प्लांट का रूप लेता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर हम लोग कुछ आम खाएँ, ठीक है, आम खाते हैं, लोग पेड़ से तोड़कर आम को बाजार ले जाते हैं, ठीक है, अब बाजार से लोग खरीद कर आम को दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है, तीसरी जगह ले जाते हैं, वहाँ पर ले जाकर फिर उसको खाते हैं और उसको फिर बाहर फेंकते हैं, पेड़ यहाँ है और गुठली कहीं और फेंका गया, ठीक है, गुठली कहीं और फेंका गया, और इसी से हम लोग पता करते हैं कि इसी से ये पता चलता है कि ये, ठीक है, ये भी एक एजेंट है बाय एनिमल्स, और वो अपने पेरेंट्स प्लांट से दूर होता है वहाँ पर भी वो नया प्लांट का रूप लेता है, वो जो सीड जो हमने फेंका, गुठली जो हमने फेंका आम के, वहाँ पर भी वो नया प्लांट का रूप लिया। ओके, उसके बाद एनिमल्स में आप ये भी होता है कि जो स्क्वायरल्स होते हैं वो कुछ नट्स को जो है गड्ढा करके, ठीक है, मतलब एक गड्ढा खन कर उसमें वो रख देते हैं, उसमें छिपाते हैं, ठीक है, ग्राउंड के अंदर वो छिपाते हैं, डिगिंग के बाद जो है उसको ग्राउंड के अंदर वो छिपाते हैं, छिपाने के बाद क्या होता है कि वो उसको भूल जाते हैं कि कहाँ पर उन्होंने रखा है, तो उनके भूलने से ये होती है कि वो जैसे ही ग्राउंड के अंदर गया तो उसको जो भी मुआवजे चाहिए, उसको जो भी वाटर चाहिए, एयर चाहिए, वो सब उसको वहाँ पर प्राप्त होता है, मिलता है, और फिर वो नया प्लांट का रूप ले लेता है। ठीक है, तो बाय एनिमल्स ऐसे हो गया, बाय वाटर, बाय एनिमल्स, अब बच गया क्या, बाय एनिमल्स, बाय वाटर, बाय एनिमल्स, बाय विंड, ठीक है, बाय विंड। तो विंड के थ्रू कैसे होता है, जो भी जैसे कि कॉटन वगैरह के जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह, क्योंकि वो बहुत लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, आम की कुछ एक जगह से उड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन जो हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाते हैं, और जहाँ पर वो जाकर गिरते हैं उसको जो उसका फेवरेबल कंडीशन चाहिए होता है वो अगर उनको मिलता है
तो फिर वो वहीं पर न्यू प्लांट का रूप लेते हैं, ठीक है। और एक है बाय एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन से क्या होता है, जब भी कोई फ्रूट जो होता है, ठीक है, जैसे कि पीज हो गया, मूंग हो गया, तो ये सब, ठीक है, और सब जो भी बाजरा वगैरह हो गया, तो ये सब जैसे ही सूखता है, ठीक है, पकने के बाद जैसे ही सूखता है तो फिर एक्सप्लोड करता है, ठीक है, यानी कि फटता है। फटने के बाद ये जैसे ही कड़ी धूप में फटता है तो ये एक जगह से दूसरी जगह फेंकाता है, फटा यहाँ पर, और इसके सारे सीड जो है अपने पेरेंट प्लांट से दूर हो गए, जाते हैं, छिद्रा गए, ठीक है, स्प्रेड हो गए, फैल गए, ठीक है, स्कैटर्ड हो गए चारों तरफ। तो इससे भी क्या होता है, नया प्लांट का रूप लेता है, जो सीड जहाँ जाकर गिरा है वहाँ पर वो नया प्लांट का रूप लेता है। तो ये अगर इसके बारे में इतनी जानकारी थी, ओके, ये जितनी भी जानकारी थी आपने देखा बाय एक्सप्रेशन, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को रिवाइज करेंगे। आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, अपने क्लास को अटेंड करते रहिए, ओके, और उसके बाद फिर हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आई होप कि आप लोग की क्लास, आप लोग की जो रिवीजन सेक्शन है वो बहुत अच्छा होता होगा, आप लोग बहुत अच्छा रिवाइज कर रहे होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे, ठीक है, बहुत बेहतरीन आप लोग स्कोर करेंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है, और मुझे आप लोग निराश नहीं करेंगे इस चीज़ से, ओके। तो आज हम आज के लिए अपना इतना ही रखते हैं, उसके बाद फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।